मीम रिव्यू मीम रिव्यू मीम रिव्यू। आज हम लोग करेंगे मीम रिव्यू। क्या मतलब टाइटल में स्कैरीएस्ट व्हाट्सएप चैट लिखा हुआ है? अरे वो मेरा मन कर रहा था, बस ले लिख दिया था मैंने। करने आज मीम रिव्यू वाले हम। क्या कह रहे हो, मेरी फटती है इसीलिए नहीं कर रहा हूँ मैं? लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें करके दिखाया, एक बार नहीं डरा था मैं। बड़े आए डरते हो इसीलिए नहीं कर रहे हो? अब तो स्कैरीएस्ट व्हाट्सएप चैट ही होगा। रुक जाओ तुम भाई, सही से बैठ नहीं पाया मैं। रुको, आज तुम्हें फिर से दिखा दूं कि एंड्रयू के पास दिल नहीं है क्या? जिगरा, चलो आ जाओ। ओके, सो ये वाली स्कैरीएस्ट व्हाट्सएप चैट है, इसका नाम है हॉन्टेड होटल। इससे ये समझ आ रहा है कि कोई होटल है जो हॉन्टेड है। तुम्हें समझ नहीं आया हुआ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, वन नाइट ये जोया से कोई चैट कर रहा है, किस्मत ही खराब है मेरी, और ये रात के 10:52 पे लिखा हुआ है इसने। और यहाँ पे एक गाड़ी है, आई गेस इसकी गाड़ी खराब हो गई है। आगे लिखा हुआ है टायर पंक्चर हो गया। भाई ऑलमोस्ट रात के 11 बज रहे हैं और उस पे ये बंदी मैसेज कर रही है, तुम्हें चेंज करना आता है ? लेकिन पूछ तो ऐसे रही है जैसे कि अगर नहीं आता होगा तो ये करने आएगी। एंड जोया लिख रही है, अकेले में करते नहीं बनेगा। एंड उस पे ये बंदी लिख रही है, एक तो इतनी रात हो गई है इसलिए मैंने कहा था कि कल सुबह आना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आज ही आना था। एंड इस पे जोया लिख रही है, अगर कल सुबह निकलती तो आधा फंक्शन मिस हो जाता। ओके, सो ये कहीं फंक्शन के लिए निकल रही थी। ओके, इससे अभी ये पूछ रही है, लेकिन अब क्या, कितनी दूर हो अभी? एंड इस पे जोया लिखती है, तुम्हारे यहाँ से तो 40-45 किलोमीटर होगा, बहुत सुनसान जगह है, कोई और व्हीकल तक नहीं दिख रहा। भाई ये गई मैं बता रहा हूँ, एंड ये एक रोड पर है अकेले, इसका टायर पंक्चर हो गया है, मैं नहीं मान सकता भाई ये बचेगी। ओके, सो इस पे ये बंदी लिख रही है, इतनी रात को किसी अनजान से हेल्प लेना भी सही नहीं रहेगा, खतरा हो सकता है, ऊपर से तुम अकेली भी हो। भाई कि रात के टाइम पे लोग अकेले क्यों निकल रहे हैं? मैं रात के टाइम पे दोस्तों के साथ नहीं निकलता, तुम बताओ। क्योंकि मुझे पता है मेरे दोस्त को डरपोक है, तो फायदा है नहीं कुछ उनके साथ होने का। ऐसे जोया लिख रही है, आई नो यार, अभी तो मैं कार में ही बैठी हूँ। ओके, डर के मारे निकल भी नहीं रही है शायद। वहाँ आस पास कुछ होगा भी नहीं जहाँ रात रुक सको, कोई नहीं, मैं और अर्पित आ रहे हैं तुम्हें लेने। भाई दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, तुम देख रहे हो रात के 11 बजे 40-45 किलोमीटर दूर ये बंदी उसे लेने आ रही है। काश ये बंदी मेरी दोस्त होती है, फिर तो मैं निकलता रात के टाइम पे मजे से। एंड इस पे जोया लिख रही है, तुम लोग इतना दूर कहाँ आओगे? एंड इस पे ये लिख रही है, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओके, सो उसके ही कुछ मिनट बाद जोया लिख रही है, तुम लोग मत आओ इतनी रात को। कोई बात नहीं जोया, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। एंड इस पे जोया लिख रही है, नहीं चारू, मुझे रात रुकने के लिए जगह मिल गई है। और जंगल के बीच में? ओके, इसने एक फोटो ही भेजा हुआ है होटल का। एंड लिख रही है, मैं रात यहीं रुक लेती हूँ, सुबह कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। तुम लोग तो ऑलरेडी थके होगे ना आज फंक्शन की तैयारी करते करते। एंड इस पे ये बंदी रिप्लाई कर रही है, रात रानी होटल ? ये चालू है अभी? मुझे तो लगा था ये खुलने के कुछ दिन बाद बंद हो गया था। एंड इस पे जोया लिख रही है, हाँ चालू है, तुमसे बात करने के बाद मैंने सोचा कि आसपास देखूं तो सही, थोड़ा दूर चलने के बाद ये होटल नजर आ गया, चल मैं अंदर जाकर चेक इन कर लूं, फिर बात करती हूं। कुछ तो इस होटल से रिलेटेड ही होने वाला है, इतना तो मेरे को समझ आ रहा है। एंड इस पे ये बंदी ओके लिख दे रही है इसको। ओके, तो जोया होटल में जाने के बाद चारू को फिर मैसेज करती है, जोया सही जगह मिल गई यार, देख कितना बढ़िया बाथरूम है। ओके, इसने फोटो ही भेजे हुए हैं और प्राइस भी कम, ऊपर से पेमेंट भी सुबह करना है जब जाने लगो। भाई मैं बता रहा हूँ, जब सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छी मिल जाए ना तभी समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है। अभी देखो तुम इतने प्यार से देख रहे हो ना, मुझे पता है कुछ गड़बड़, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लाइक भी नहीं किया हुआ है, करो अभी जाके गड़बड़ को सही करो, नहीं तो पता लग रहा है अगला भूत तुम्हारे घर पे ही आ गया। ओके, सो इसके बाद चारू लिख रही है, हाँ लेकिन अब वही मत देखते रहना, सो जाओ, फिर सुबह आना भी तो है। जोया, हाँ और मैकेनिक भी ढूंढना पड़ेगा, सोचा था यहाँ और हेल्प मिल जाएगी बट यहाँ ज्यादा कोई नहीं है, बहुत शांत सी जगह है। भाई शांत जगह चारू, हाँ अब जो लोग होंगे भी सब अपने अपने रूम्स में सो रहे होंगे। जोया, चारू यार यहाँ बाथरूम तो सही है लेकिन पानी नहीं आ रहा, मैं बाहर जा रही हूँ किसी को बताने कि इस रूम में नल खराब है। और चारू लिख रही है, हाँ जाकर पता करो, अगर सही ना हो तो रूम चेंज कर देना। ओके, उसके बाद जोया ने एक फोटो भेजा है, एंड नीचे लिखा है, अब तो और भी ज्यादा सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। भाई ये देख रहे हो कितना ज्यादा खाली खाली है। एंड इस पे चारू लिख रही है, फ्रंट डेस्क पर जाकर देखो। ओके, तो जोया उसके बाद फ्रंट डेस्क पे गई, एंड वहां पे उसे कोई भी नहीं मिला, तो वापस अपने रूम में आ गई। जोया, चारू मैंने सब जगह देख लिया लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं मिला, और जब मैं वापस बाथरूम में आई तब मुझे ऐसा मिला। ठीक है, खून वून सा है ना कुछ? भाई
यहाँ पे हाथ भी है किसी का। चारू, ओ माई गॉड, जोया, सारा टब लाल लिक्विड से भरा हुआ है और ये हाथ के निशान, जब मैं यहाँ से गई थी तब ये सब कुछ भी नहीं था, तुम्हें कोई नहीं मिला बाहर? नहीं, वो औरत भी नहीं थी जिसने मुझे रूम की दी थी। इस पे चाऊ लिख रही है, ये जगह सेफ नहीं लग रही है, तुम एक काम करो वापस जाकर कार में ही बैठो। भाई देखिए, काम तो सही कर रहे हैं लोग, रूम में नहीं रुक रहे, एटलीस्ट लाइक होटल में भी नहीं रुक रहे, कार में ही वापस जाने को बोल रही है। जोया लिख रही है, हाँ इससे तो बेटर ही होगा। ओके, सो कुछ मिनट्स बाद जोया, पहुंच गई तुम अपनी कार तक? नहीं यार, ये लिफ्ट काम नहीं कर रही है। भाई भाई भाई, तुम बस देखो एक बारी, रात के 12:20 हो रहे हैं एंड ये सब चल रहा है यहाँ पे। जोया, सीढ़ियों से जा रही हूँ लेकिन ये खत्म ही नहीं हो रही। खत्म नहीं हो रही, क्या मतलब? जोया, मुझे 3rd फ्लोर पर कमरा मिला था लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं 6 फ्लोर उतर आई पर लेकिन नीचे नहीं पहुंची। चारू, दिस इज क्रेजी, मैंने अभी अभी रात रानी होटल के बारे में गूगल किया, वो तो बता रहे हैं कि होटल पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है। गॉड भाई, सोच रहे हो, मेरे को लग रहा है ये बंद भी किसी ऐसा हॉन्टेड रीजन की वजह से हुआ होगा। अब मेरे को ऐसा चीजें कनेक्ट हो रही हैं। एंड चारू और लिख रही है कि कह रहे हैं कि वहाँ बुरी आत्माओं का साया है, जब होटल बन रहा था तब वहाँ बहुत एक्सीडेंट्स हुए थे भाई, और जब बनकर तैयार हो गया तो वहाँ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। ना 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 ना, ये सब बता क्यों रही है ये इसे? इसको और डर नहीं लग जाएगा जोया को? उसको सीधा बोल देना कि भाई सीधे गाड़ी में चली जा, बाहर मत निकलियो। एंड ये और लिख रही है, कभी अपने आप लाइट्स बंद चालू होती तो कभी बाथरूम में पानी की जगह खून आता। लेकिन ये सारी घटनाएं हो रही थी जब ये होटल चालू था। सुनने में मेरे को अजीब लग रहा है, लोगों को वहाँ काले साये दिखाई देते हैं जो उनका पीछा करते हैं, इसीलिए होटल खुलने के 2 महीने बाद ही उसे बंद कर दिया गया था। ये एक ऐसी जगह पर है ये लड़की जोया, मैं तो मजाक में बोल रहा था स्टार्टिंग में कि ये गई तो सही बजाने वाली है। इसको जोया लिख रही है, लेकिन मुझे तो होटल खुला मिला। चारू, रात को वहाँ से निकलने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें भी होटल खुला दिखता है लेकिन वहाँ कोई स्टाफ नहीं है, कोई नहीं जाता। भाई मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं लिटरली। भाई मेरे को दिन के टाइम में डर लग रहा है अभी, तुम सोच रहे हो? ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। जोया, मैं यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन निकल नहीं पा रही, ना लिफ्ट चल रही है ना सीढ़ियाँ खत्म हो रही हैं, क्या मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गई? डरावना, लाइक मैं तो पता है फील कर रहा हूँ मेरे साथ होगा तो मैं क्या करूंगा। मैं ना एक काम करूंगा, सीढ़ियाँ नीचे तो पहुंचा नहीं रही है, मैं ऊपर जाना चालू कर दूंगा। यस, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं क्या मजाक कर रहा हूँ यार। ओके, चारू लिख रही है, नहीं जोया, हम लोग आ रहे हैं वहाँ, तुम कोशिश करो वहाँ से निकलने की। जोया, चारू, वो काला साया मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या? हाँ, वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैं नहीं बचूंगी, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या कह रही हो जोया? हम आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि उसके बाद जोया ने एक वीडियो भी भेजी हुई है। चारू ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, जोया भागो वहां से, और उसने कॉल भी किए हैं एक दो जो कॉल नहीं उठे। जोया, क्या हो रहा है वहां? हेलो, ये उसके लास्ट मैसेजेस हैं जिनका रिप्लाई आया ही नहीं। एंड फिर अगले ही दिन जोया की डेड बॉडी मिली थी रातरानी होटल के गेट के बाहर। भाई कितना ज्यादा डरावना, देखो सही में गूज़बम्स आ रहे हैं। एंड डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो पता लगा कि कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक था। ये मेरे को कनेक्ट नहीं हो रहा है, कैसे लेको भूत से इतना ज्यादा डर गई कि उसे हार्ट अटैक आ गया, मेरे को नहीं समझ आ रहा। भाई ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मिस्ट्री बढ़ा दे रही है ना मेरे दिमाग में, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कुछ। बट तुम लोग बताओ तुम्हें क्या समझ आया, लाइक उसका कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक क्यों होगा? ओके, सो आई गेस इसी के साथ आज की वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो गया है। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि ऑब्वियसली लगी होगी, भाई मेरे को बनाने में मजा आया यार, तुम्हें अच्छी कैसे नहीं लग सकती? अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी है तो प्लीज यहाँ पे एक किसी, क्या कर रहा हो यार भाई, और अगर अच्छी लगी है तो फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं तो देनी पड़ेगी तुम्हें। सो यार, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन, बाय।